हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज हमारी वीडियो है ओमेगा 3 पर। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज आपको ओमेगा 3 के बारे में कुछ अहम मालूमात बताने वाली हूँ, जिसके ज़रिए आपको मालूम होगा कि ओमेगा 3 जो है हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये एक सप्लीमेंट है जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पर पाया जाता है, यानी कि आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं और आप इसे जो है किसी स्टोर वगैरह से भी वैसे बाय कर सकते हैं। और ये हमारे जिस्म में बहुत ही ज़रूरी जो अहम किरदार अदा करता है, उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। इसमें काफ़ी ख़ास जो हैं काफ़ी खसूसियात पाई जाती हैं जो हमारे जिस्म के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। ओमेगा 3 खुलियों में रिसेप्टर्स से भी मुंसलिक होता है, जो जीनियाती फेल को मुनज़िम करते हैं। मुमकिन तौर पर इन असरात की वजह से ओमेगा 3 यानी कि ओमेगा 3 जो फैट है, ये दिल की बीमारियों को रोकने में मदद देती है और ये फालिज को रोकने में भी मदद करती है। ल्यूपस, एक्जीमिया और रेबमिटी संदशूत को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकती है ये, और कैंसर की बीमारियों में भी ये काफ़ी बेहतरीन साबित होती है। अगर किसी को कैंसर है तो ये जो है उससे हिफाजत करने में मदद करती है। ओमेगा 3 जो है एक अच्छी फैट है, आप इसे सप्लीमेंट के ज़रिए भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसे मतलब चिकन से भी हासिल कर सकते हैं, और एग्स वगैरह भी आप यूज़ करें तो उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। और जो है फ्रेंड्स, मीट में भी आप मीट से भी हासिल कर सकते हैं, चिकन से भी आप हासिल कर सकते हैं, और एग से भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप ओमेगा 3 की सप्लीमेंट जो हैं जो पिल्स होती हैं जेली की तरह, ये पिल्स होती हैं छोटी सी कैप्सूल टैबलेट नुमा होती हैं, तो आप वो किसी भी ऑनलाइन स्टोर से भी बाय कर सकते हैं, और ऑफलाइन स्टोर किसी भी अच्छी मार्केट से आप ये हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन में आई हर्ब्स पर जो है आप बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट जो है यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ से काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट आपको मिलती हैं जो भी आप ख़रीदना चाहें अपनी सेहत के हवाले से और अपनी स्किन के हवाले से, आप ये जो है हासिल कर सकते हैं। आई हर्ब पे वहाँ पर आपको तमाम प्रोडक्ट मिलती हैं आपकी हेल्दी लाइफ के बारे में। अगर आपने कुछ ख़रीदना है स्किन केयर रूटीन के हवाले से, अगर आपने कुछ ख़रीदना है तो इस वजह से वहाँ पर तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदना चाहते हैं तो इजीली आप ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आई हर्ब का लिंक ज़रूर ऐड करूँगी, और जो भी प्रोडक्ट पर मैं वीडियो बनाऊंगी उसका भी लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, ताकि आपको जो भी चीज़ बाय करनी हो तो आप उस लिंक के ज़रिए बाय कर सकते हैं इजीली। आपने जस्ट इस लिंक को क्लिक करना होगा और आप जो है डायरेक्टली उस वेबसाइट पर चले जाएंगे और उस सप्लीमेंट को इजीली आप बाय कर सकेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही थी ऑनलाइन बाय करने के बारे में, कि जो प्रोडक्ट मैं अपलोड करती हूँ जिसके बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ, तो फिर फ्रेंड्स मैं उसको उस जो सप्लीमेंट है उसका आपको लिंक भी प्रोवाइड करूँगी, ताकि आप जो है उसको इजीली बाय कर सकें, और ये ना हो कि आप ढूंढते रहें कि आपने उसको कहाँ से बाय करना है और कहाँ से आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। इस वजह से मैंने ये सोचा है कि मैं साथ आपको जो भी प्रोडक्ट है उसका लिंक ज़रूर शेयर करूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल जो है फालिज, कैंसर वगैरह, ये दिल के ऊपर जो चर्बी वगैरह जम जाती है और हटती नहीं, दिल की काफ़ी बीमारियों का मसला हो जाता है, और इसके अलावा जो है फालिज हो जाता है जिससे, और कैंसर जैसी
बीमारियों जिनका इलाज भी नहीं है, तो फ्रेंड्स आप उससे उन बीमारियों की सूरत में ओमेगा 3 की सप्लीमेंट यूज़ करें। ये काफ़ी यूज़फुल है। आपको एक सप्लीमेंट जो है ये इसकी एक टैबलेट डेली लेनी है और आपको ये कितनी सारी बीमारियों से बचाती है आप देखें कि आपको ये दिल की बीमारी, दिल के ऊपर जो चर्बी वगैरह जम जाती है उससे ये आपको बचाती है, और फालिज अगर हो जाता है आपको किसी भी सूरत में तो उसको बेहतर यानी कि करने में मदद करती है कि यानी कि अगर किसी को खदशा है कि या मतलब उनको थोड़ा बहुत फालिक का अटैक हुआ है और खदशा है कि मज़ीद और अटैक हो सकता है तो वो ओमेगा 3 की कैप्सूल्स लें, डेली यूज़ करें डेली बेस पर, तो उससे काफ़ी अच्छा जो है उनको बेटर इससे रिज़ल्ट मिलता है। और अगर किसी को कैंसर है या कुछ अलामात ज़ाहिर हुई हैं या फिर कैंसर है तो आप उसकी ज़रिए भी उसकी इलाज के लिए भी आप जो है ओमेगा 3 सप्लीमेंट यूज़ करें। इसके इलाज से आपको काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं और ये एक दवाई के तौर पर काम करते हैं, आपकी हिफाजत करता है कैंसर जैसी बीमारियों से, और आपको थोड़ा सा इसमें अच्छा फील होता है कि अगर आपको ऐसी कोई भी बीमारी है तो आप ये सप्लीमेंट ज़रूर यूज़ करें, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और अगर आप ये सप्लीमेंट नहीं लेते, आप चाहते हैं आप कुदरती तौर पर इस सप्लीमेंट को हासिल करें, तो आपको फ़िश जो है यूज़ करनी है। फ़िश में ओमेगा 3 पाया जाता है और आपको एग्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए, उनमें भी ओमेगा 3 होता है, और मीट में चिकन में भी थोड़ी बहुत मिकदार में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप सप्लीमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप ओमेगा 3 की सप्लीमेंट भी बाय कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप कुदरती तौर पर कुदरती अज्जा से ओमेगा 3 हासिल करें, फैटी एसिड हासिल करें, तो आप फिर जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आप इस्तेमाल करें और उनसे अच्छी खासी जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड आप हासिल कर सकते हैं इजीली। आपको किसी भी सप्लीमेंट को बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए है जो मैंने काफ़ी रिसर्च करके आपको बताई है। उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। जिनको ये बीमारियां हैं वो ज़रूर इस पर अमल करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। और अगर आप किसी और प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं जो आपकी स्किन और हेल्थ और किसी भी इशू के हवाले से है तो आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस प्रोडक्ट पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और आपको गाइड करूंगी क्या वो आपके लिए बेहतर है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तमाम चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मैं ये तमाम चीज़ें जो हैं काफ़ी रिसर्च करके जो है बताती हूँ, ऐसे ही नहीं बताती, तो इसलिए फ्रेंड्स आप इस पर ईज़िली जो है एतबार कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है बिल्कुल 100% ये रियल इंफॉर्मेशन है और इसमें कुछ भी फेक नहीं है, तो आप इसको इजीली यूज़ करें और आपको उम्मीद है कि इन चीज़ों से ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर इनमें से कोई भी बीमारी आपको या आपके किसी जानने वाले को है तो आप उसे ओमेगा 3 जो है सप्लीमेंट है उसके बारे में ज़रूर बताएं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।